हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक है बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है साल्वेज पाथवे। क्या नाम दिया है इसको, साल्वेज, साल्वेशन। वैसे तो फिलोसॉफी के अंदर इसका मतलब होता है मोक्ष प्राप्ति, बट इसमें बायोकेमिस्ट्री के अंदर साल्वेज का इस पाथवे में जो मीनिंग निकल रहा है वो एक्चुअली वन टाइप ऑफ द रिसाइकलिंग है। ठीक है, देखिए भाई, कोई भी इकोनॉमी हो, कितनी भी बड़ी हो, बट जब भी वहाँ के लोग जो है रीयूज़, रिसाइकल करना शुरू करते हैं तो इकोनॉमी को बहुत बड़ा फ़ायदा भी होता है। तो वैसे ही अपनी बॉडी के अंदर भी जो है वो कुछ तरीके की रिसाइकलिंग जो है वो चलती रहती है, जिसके के अंदर जो है वो जो भी प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड्स जो है, या फिर डीऑक्सी वाले हो या विदाउट, तो उनका जो है वो रिसाइकलिंग होके उनका कन्वर्जन जो है वो कर दिया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। और हम सबको पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक कि भाई जो न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसके अंदर तीन चीज़ों के अंदर, एक कि भाई उसके अंदर जो है वो प्यूरिन या पिरिमिडिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उसके अंदर एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है जो कि मोस्टली इस सबके अंदर जो है वो आइदर राइबोज हो या तो फिर डीऑक्सीराइबोज हो, ठीक है। और उसके साथ तीसरी जो चीज़ जो रहती है वो हो जाती है फॉस्फेट। तो इन तीन चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो वो न्यूक्लियोटाइड जो है वो बन जाता है। तो हमको अगर रिसाइकलिंग करना है और हमारे पास जो है वो प्यूरिन्स है जिसके के अंदर जो है वो हमारे पास एडेनिन हो या फिर ग्वानिन हो, ठीक है, और उनका कन्वर्जन मुझे न्यूक्लियोटाइड में अगर करना हो तो मुझे दो चीज़ चाहिए, एक शुगर और दूसरा जो है वो फॉस्फेट। इसलिए साल्वेज पाथवे को करने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्राइम रिक्वायरमेंट है उसका नाम है PRPP, दैट इज़ द फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। सो ये चीज़ जो है वो हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट है साल्वेज पाथवे होने के लिए, फॉस्फोराइबोजाइल या पायरोफॉस्फेट। ये पायरोफॉस्फेट जो है PRPP वो हमारी सबसे पहला स्टार्टिंग मटेरियल है कि जिसके साथ जो है वो प्यूरिन के जो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो बाइंड होंगे और उसके बाद जो है उनका कन्वर्जन जो है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं कि भाई ये जो साल्वेज पाथवे जो है, वन टाइप ऑफ रिसाइकलिंग पाथवे है, इससे जो है वो बॉडी की एनर्जी जो है वो कम यूज़ होती है। हम अगर जो प्यूरिन्स जो है उनका रीयूज़ कर देते हैं, उनको न्यूक्लियोटाइड में वापस कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके कारण जो है वो बॉडी की एनर्जेटिक्स उसमें कम एनर्जी जो है वो लगती है और जो है उनका यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो उनको डिग्रेडेशन करने में भी एनर्जी जो है वो, या बॉडी से निकाल करने के लिए भी जो है वो हमको एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाती है। तो इसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम्स जो याद रखने होते हैं वो दो मेन एंजाइम्स जो है वो याद रखने होते हैं, एक एडेनिन का साल्वेज करने वाला एंजाइम या एडेनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसपरेस APRT, और एक हाइपोक्सेंथिन एंड ग्वानिन का जो है वो कन्वर्जन करने वाला जो एंजाइम जो है कि इसका नाम है HGPRT। तो दो चीज़ें जो है वो हमको याद रखनी है, पूरा नाम तो अपने वो एज लगाते हैं पीछे, या तो APRTAs एंड द HGPRTAs। तो ये दो एंजाइम और तीन रिएक्शंस जो है बस आप याद रख ले तो साल्वेज पाथवे जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो है, क्या है भाई, यस, PRPP। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए अगर अपने पास प्यूरिन है तो उसमें दो चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, एक शुगर और एक फॉस्फेट, कि जो दोनों जो है वो PRPP से जो है वो मिल जाएगा। तो इसके अंदर बॉडी का एनर्जेटिक्स जो है वो कम, सबसे पहला जो अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे कि अपने पास जो है प्यूरिन के अंदर
एडेनिन है, ठीक है। उसके साथ अपन PRPP फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट, और यहाँ पे जो एंजाइम रहेगा, यस, एडेनिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज। तो क्या होगा, एडेनिन को न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए जो है वो एक फॉस्फेट चाहिए और राइबोस चाहिए, ठीक है। तो उसका कन्वर्जन जो है वो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में हो जाएगा, एंड ये जो दो है पायरोफॉस्फेट वो फ्री फॉर्म के अंदर जो है वो वहाँ पे रिलीज हो जाएंगे इंट्रासेलुलरली अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो एडेनिन था उसका कन्वर्जन जो है वो AMP में हो जाएगा, और इसके अंदर अपने को फॉस्फेट जो है वो अलग से वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक रिएक्शन हो गई कि जिसके अंदर जो है वो हमने एडेनिन का कन्वर्जन जो है वो न्यूक्लियोटाइड में कर दिया, मतलब कि कन्वर्जन जो है वो हमने प्यूरिन का कन्वर्जन जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के अंदर कर दिया। दूसरी जो रिएक्शन जो है, जिसके दोनों रिएक्शन के लिए एंजाइम जो है वो सेम ही है, HGPRTS, कौन कौन सा है, जैसे कि लेते हैं हम ग्वानिन, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जो है वो हम फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट का कॉम्बिनेशन करते हैं, और यहाँ पे जो एंजाइम आ जाएगा HGPRTS, और उसका कन्वर्जन जो है वो ग्वानिन का कन्वर्जन जो है वो किसके अंदर हो जाएगा, यस, GMP के अंदर, और अपने को यहाँ पे जो है वो पायरोफॉस्फेट जो है वो अलग मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और रिएक्शन करते हैं जिसके अंदर हम जो है वो हाइपोक्सेंथीन को लेते हैं, हाइपोक्सेंथीन के साथ भी जो है वो अगर हम PRPP को कॉम्बाइन कर दें, और उसमें भी जो एंजाइम लगेगा, तो नाम ही है इसका एक्चुअली हाइपोक्सेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज, तो इसका कन्वर्जन जो है हाइटोएडेनिन का जो कन्वर्जन होता है वो होता है, यस, IMP के अंदर, और फिर ये IMP जो है उसका कन्वर्जन आगे जाके GMP के अंदर, या फिर रिक्वायर्ड है तो AMP के अंदर कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। सो IMP जो है वो रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर, आप डीनोवो सिंथेसिस जब भी हम पढ़ते हैं वो 11-12 स्टेप्स की प्रोसेस है, और ये जो है आप समझ सकते हो साल्वेज पाथवे सिंगल स्टेप प्रोसेस है। डीनोवो सिंथेसिस के अंदर टाइम कंज्यूमिंग है, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, नो डाउट। बॉडी में कुछ टिश्यूज ऐसे हैं जहाँ पे भी जो है वो डीनोवो सिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता, जैसे कि RBCs है या ब्रेन है, तो इनके अंदर जो है वो डीनोवो सिंथेसिस जो है वो नहीं हो सकता, इसलिए इनके अंदर जो है वो साल्वेज पाथवे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई। इसलिए जो टिश्यूज़ जिनके अंदर डीनोवो सिंथेसिस होता ही नहीं, और अगर किसी भी एंजाइम की डेफिशिएंसी वगैरह रहती है, जैसे कि HGPRTS की डेफिशिएंसी होती है, तो लेस्क-निहान सिंड्रोम जो होता है, जिसके के अंदर जो है वो हमको ब्रेन रिलेटेड डैमेज देखने को मिलता है, बराबर, RBC रिलेटेड भी जो है वो सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसलिए साल्वेज पाथवे है ऐसे टिश्यूज़ की जहाँ पे डीनोवो सिंथेसिस नहीं होता, वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, खास करके हम समझ सकते हैं कि RBC एंड ब्रेन जहाँ पे डीनोवो सिंथेसिस नहीं होता है। तो इस तरीके से बहुत सिंपल सा साल्वेज पाथवे का जो है वो डिस्क्रिप्शन है। एक रिसाइकलिंग पाथवे है जिसके कारण बॉडी की एनर्जेटिक जो है वो कम यूज़ होती है, जिसके अंदर की प्यूरिन को जो है वो डायरेक्टली न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कि जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो कंटेंट हमको चाहिए वो चाहिए अपने को PRPP फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट। दो एंजाइम्स याद रखने हैं और तीन रिएक्शंस। दो एंजाइम में सबसे इम्पोर्टेंट APRTS एंड HGPRTS। APRTS एडिनिन को कन्वर्ट करेगा AMP के अंदर, फॉस्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट में से पायरोफॉस्फेट जो है वो अलग हो जाएगा और एडिनिन का कन्वर्जन हो जाएगा AMP में। HGPRTS वाला जो हम याद रखते हैं, जो ग्वानिन एंड हाइपोक्सेंथिन दोनों को ही जो है उनके रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करेगा, कि जिसमें ग्वानिन को जो है वो GMP और हाइपोक्सेंथीन को जो है वो IMP में वो कन्वर्ट
कर देगा और पायरोफॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएगा, और आईएमपी जो है उसका कन्वर्जन जीएमपी या एएमपी के अंदर हो सकता है। और ऐसे टिश्यूज़ की जहाँ पे डिनोवो सिंथेसिस होता ही नहीं, जैसे कि आरबीसी एंड ब्रेन, तो वहाँ के लिए जो है वो साल्वेज पाथवे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।